गाइडलाइंस स्टेप थ्री की जो गाइडलाइंस थी उसमें कंसिस्टेंसी प्रोसेस हम दोबारा शुरू कर लेते हैं, फिर वहां से जो है कंटिन्यू करते हैं। कंसिस्टेंसी ऑफ प्रोसेस मींस ऑर्गेनाइजेशन शुड परफॉर्म फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन यूजिंग अ कंसिस्टेंट प्रोसेस टू प्रिजर्व कलेक्ट एंड लीगली डिफेंसिबल मैनर। मींस इफ अ टैक्स डेटा इज कलेक्टेड देन इट शुड बी कलेक्टेड इन सच अ मैनर दैट इट कुड बी प्रेजेंटेड बिफोर कोर्ट एंड इट कुड बी डिफेंडेड, यानी वो डिफेंसिबल हो, ऐसा नहीं हो कि उसकी जो है वो आगे जाके हम खुद ही उसको डिफेंस ना कर पाए। और उसमें फॉरेंसिक टूल किट होती है, उसका इस्तेमाल करना होगा उनको। लाइव एक्विजिशन इज बेस्ट। लाइव एक्विजिशन जो है यानी अगर कोई लाइव स्ट्रीमिंग में चीजें मौजूद है और वहां से जो है वो वॉलेटाइल डेटा, मैंने आपको कल बताया था कि वॉलेटाइल डेटा क्या होता है, अभी मैं दोबारा एक दफा बता देती हूँ। वॉलेटाइल डेटा मीन्स एनीथिंग विच इज प्रेजेंट ऑनलाइन और विच इज प्रेजेंट इन लाइव स्ट्रीमिंग दैट इज कॉल्ड वॉलेटाइल डेटा शुड बी अचीव्ड। This type of acquisition will capture a snapshot of the system in question, including the contents of memory, running process, and the network connections, as well as allocated and the deleted files. जब कभी भी कोई data recover, जब भी कोई data preserve किया जाता है, तो in such a manner it should be preserved that all the deleted files, first of all, will be recovered and the complete files will be saved. सबसे पहले जो है ना ये सारे steps हैं जो हमको follow करने हैं। Bitstream इमेज का मतलब है कि ऐसी कॉपी क्रिएट करना जो बिट टू बिट हो। बिट टू बिट हो मतलब होता है कि स्टेप स्टेप बाय स्टेप, अगर कोई डिलीटेड डेटा तो वो भी रिकवर हो जाए और ऑल स्टेप्स और ऑल चेन ऑफ एविडेंस शुड बी कंप्लीटेड। अब बिट स्ट्रीमिंग इमेज जो है इसको हम डिस्क इमेज भी कहते हैं या फिर बिट टू बिट कॉपी भी कहते हैं। ओरिजिनल मीडिया इंक्लूडिंग unallocated deleted data bit streaming imaging requires access to the entire volume, a requirement more easily accomplished with a low capacity system. Means if a system is having a more capacity or a big capacity, then it will be very hard to recover it. If it has a low capacity system, then it easily could be recovered. Logical backup, copy directories and files of our from a volume. This process does not capture additional data from media such as deleted files or residual data stored in slack spaces. yani wo data jo connected nahi hoga hamare case wo usko nahi recover karega na hi usko copy karega. ye jo bit to bit streaming hai, streaming hoti hai, ye sirf aur sirf us file se connected ya us data se connected cheeze recover bhi ho jayengi और साथ के साथ जो है वो कॉपी भी उसकी बन जाएगी। इसके लिए सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसके लिए इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि एक टूल किट होती है, डिजिटल टूल किट कहलाती है और ये डिजिटल फॉरेंसिक वालों के पास होती है। अच्छा, मेक नो चेंजेस ड्यूरिंग द प्रिजर्वेशन कलेक्शन प्रोसेस, डू नॉट आल्टर डिलीट और एड डेटा विद इन रीजन। एक्चुअली क्या है कि ये हमारा जो कंप्यूटर का सिस्टम या साइबर सिस्टम है, इट डिपेंड्स अपॉन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी ऐसा नहीं है कि जैसा कि अगर आप डिलीट करेंगे फाइल आल्टर करेंगे तो कुछ उसमें पता नहीं लगेगा। एक्चुअली क्या होता है कि हम जब कभी अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट है ना, इवन उसको हम जब टाइप कर रहे होते हैं, अगर मिसाल के तौर पर आज मैंने अपना डॉक्यूमेंट ओपन किया है और उसको मैंने 10 दिन पहले टाइप किया था और मुझे उसमें कुछ मिस्टेक्स नजर आ रही है, मैं उनको ठीक करूंगी, तो उसके अंदर ये चीज स्टोर हो जाएगी उस डॉक्यूमेंट में कि मैंने कौन कौन से वर्ड्स के अंदर आज करेक्शन की है और कौन कौन से वर्ड्स जो थे वो टाइप हुए थे आज से 10 दिन पहले की। या अगर मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट किया होगा तो उसे इवन इट विल बी स्टोर्ड इन द मेमोरी दैट दीस वर्ड्स आर कॉपी पेस्टेड फ्रॉम सच एंड सच वेबसाइट एंड दीस वर्ड्स आर टाइप बाय ओनर और टाइप बाय द ऑपरेटर। वो सारी चीजें उसमें रिकॉर्ड होती चली जाती है और हम इन्हीं बातों को नहीं समझ पाते। और हम जब कभी भी अपना असाइनमेंट भी बनाते हैं, जब कभी हम अपना रिसर्च प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, तो हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, हम समझते हैं कि बस ये तो कॉपी पेस्ट हो गया, अभी हमारी अपनी फाइल है। ऐसा नहीं है, जब हम कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं तो कंप्यूटर एक इमेज बना रहा होता है, जिसकी वजह से जब कभी हम प्लेजरिज्म से गुजारते हैं उस प्रोसेस में से, तो हमारी जो टाइपिंग अपनी होती है वो सिर्फ उसको छोड़ के या जो हमने काम किया होता है बाकी सारा कैप्चर हो जाता है हमारा। ठीक है, मैच होना एक अलग बात है, लेकिन जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो हमारा छोटी छोटी चीजें भी सारी रिकॉर्ड होती है। इसलिए अगर किसी किस्म के डेटा के अंदर कोई चेंजिंग की जाती है तो जब उसका फॉरेंसिक एनालिसिस होता है
उसमें वो एक एक लफ्ज की जो है डिटेल आ जाती है कि ये लफ्ज कॉपी पेस्ट है, ये लफ्ज यहाँ से डिलीट हो गया यहाँ से, तो वो पूरी चीजें आ जाती है। अच्छा, टेकिंग हैश वॉल्यूम, हैश वॉल्यूम मैंने आपको कल बताया था, हैश वॉल्यूम ये होता है कि किसी भी किस्म का जो डेटा है अगर उसको कोडिफाई किया जाता है तो डेट कुड बी कॉल्ड हैश वॉल्यूम। मीन्स प्रिपेयरिंग अ सच टाइप ऑफ कॉपी विच इज हैश्ड, इट मीन्स इट इज कन्वर्टेड इनटू बाइनरी सिस्टम एंड इट विल बी After conversion into readable data, it could be observed or it could be conceived. Otherwise, it is not in a readable form. Achha, log everything. Forensic analysis should keep detailed logs of action they perform though the acquisition and collection process. Logs can be created and maintained either on a paper in electronic form. दोनों किस्म में जो है log की जो है वो definite यानी कि पूरी detail कहाँ से कहाँ थे किस तरीके से ये process हुआ ये और ये सारा डेटा किस तरह जो है अक्वायर किया गया है उसके अंदर सारी चीजें होनी चाहिए। तो इसलिए जो है उसको कहते हैं कि लॉग करें, आप लॉग करें, एवरीथिंग शुड बी लॉग। रिकॉर्ड एंड प्रिजर्व चेन ऑफ कस्टडी, चेन ऑफ कस्टडी शुड बी रिकॉर्डेड, बिगिन विद द डेटा एक्विजिशन एंड बी मेंटेन अंटिल द एक्सेप्टेंस एज अ एविडेंस। जहां से डेटा रिकवर हुआ है वहां से लेकर के और कोर्ट के अंदर जो है पेश होने तक सारी जो चेन ऑफ कस्टडी है वो उसको उसका ख्याल रखना है। इसको उसकी चेन ऑफ कस्टडी मींस कब किसके पास था ये डेटा और कहां से किस तरह पहुंचा, ये सारी डेटा डिटेल्स जो है वो साथ के साथ कोर्ट के अंदर पेश करनी पड़ती है क्योंकि ये क्वेश्चंस किए जाते हैं और ये बहुत जरूरी होते हैं पूछना। अगर इसको हम नहीं प्रूव करते चेन ऑफ कस्टडी तो क्रेडिबिलिटी जो भी होगी हमारी एविडेंस की वो हमारी जो है वो शेक हो जाएगी पूरी। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं हम। सो साइबर फॉरेंसिक प्रोसीजर स्टेप 4 क्या है? स्टेप 4 इज द प्रोसेसिंग, रिव्यूइंग, एनालिसिस, मीडिया एनालिसिस, दिस इज स्ट्रिंग, बाइट सर्च, टाइमलाइन एनालिसिस, डेटा रिकवरी। अब इसके अंदर उन्होंने पूरा का पूरा जो है वो कवर करने की कोशिश की, इसमें पूरी पूरी सारी चीजें आ गई। यानी जो डेटा है वो किस कहां से किस तरीके से हमारे केस के साथ कनेक्टेड है वो सारी डिटेल, और वो मीडिया में किस जगह मौजूद था, कहाँ था, उसकी पूरी ई रिकवरी, वो सारी डिटेल्स इसमें आती हैं। दिस स्टेज इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग द डेटा दैट हैज बीन कलेक्टेड ड्यूरिंग स्टेप 3। अब जो हमने स्टेप 3 के अंदर डेटा कलेक्ट किया ई डिस्कवरी की हमने इन्वेस्टिगेशन के दौरान, उसको हमने क्या किया है कि अब उसको हमने एनालाइज करना है थ्रू अवर सॉफ्टवेयर एंड अवर इक्विपमेंट्स। This involves applying detail of incident, the verification, and the system description of information, making educated decisions when examining this snapshot of data. Relevant evidence means all evidence will be go through या go from the process of analyzing. उससे क्या होगा कि ये पता चल जाएगा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको डिटेल बताई कि कौन सा लफ्ज कब कहाँ से आया कैसे आया और उसकी पूरी डिटेल पता लगेगी कि इसमें से कोई डिलीट हुआ है डेटा या नहीं हुआ या फिर ये पूरा ऑथेंटिक डेटा है, इसमें किसी किस्म की चेंजिंग नहीं की, ये पूरी की पूरी रिपोर्ट एनालिसिस में आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, कंटेंट अब जो एनालाइज होंगे उसमें क्या क्या होगा, कंटेंट्स एनालाइज होगा सबसे पहले, व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज दैट, फिर कंपेरिजन होगा अगेंस्ट नोन डेटा, फिर ट्रांजेक्शन की पूरी सीक्वेंस होगी कहाँ से स्टार्ट हुई कब कैसे क्या, उसकी डेस्टिनेशन, उसकी जो है वो URL, एवरीथिंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ डेटा, कब हमने उस डेटा को एक्सट्रैक्ट किया, डिलीटेड डेटा फाइल्स कौन सी हमने रिकवर की, फॉर्मेट कन्वर्जन, हमने किस तरह उसको कन्वर्ट किया, कीवर्ड्स सर्चिंग, कौन से वर्ड्स से हमने उनको सर्च करके उन फाइल्स को निकाला था इंटरनेट से या कहीं से, पासवर्ड क्या था, डिक्रिप्शन पासवर्ड भी उसमें आ जाएगा, लिमिटेड सोर्स कोड यानी एनालिसिस ऑफ कंपेयर यानी जिस सोर्स से हमने वो कोड जिस सोर्स से हमने वो डेटा हासिल किया उसका सोर्स कोड क्या था और स्टोरेज मीडियम क्या था। सबसे पहले हमने जब ये डेटा रिकवर किया या जो हमने रिट्रीव किया हमने उसको किस मीडियम में स्टोर किया था, इसका फ्लो चार्ट कुछ इस तरीके से होता है। अच्छा, इसमें आता है कि इज देयर मोर डेटा फॉर एनालिसिस, इफ यस देन हु व्हाट वेयर व्हेन हाउ, अब अगर नहीं तो फिर इफ न्यू डेटा सर्च लीड्स जनरेटेड स्टार्ट प्रिपरेशन एक्सट्रैक्शन उसके बाद
ये सारा का सारा फ्लो चार्ट उसमें बताया गया है कि किस किस तरीके से डेटा एनालाइज होगा। अगर उसके अंदर अभी और डेटा की जरूरत होगी तो वो भी उसमें आ जाएगा कि भाई ये चीज इसमें से मिसिंग है, आप ये ढूंढ कर लाए, यानी ये जो पूरी ट्रांजेक्शन है इसमें से कहाँ पर जो ट्रांजेक्शन ब्रेक हो रही है, जो ब्रेकेज ऑफ ट्रांजेक्शन है वो क्लियर हो जाएगी और हमें पता चलेगा कि हमें कहाँ से किस तरह बाकी कर जो हमारे पास है वो उसको रिज्यूम करना है या हमें डेटा और भी रिट्रीव कहाँ से करके लाना है, वो पूरी डिटेल उसमें आ जाएगी एनालिसिस के दौरान। अब इसका फाइनल स्टेप या स्टेप 5 आ गया ना, ठीक है, बल्कि इसका फाइनल स्टेप स्टेप 6 होगा, ये हमारा स्टेप 5 आ गया। प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स प्रिपरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ESI। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्ड, ये हमने जो पढ़ा था ESI जो था हमारे पास, तो ये पूरा का पूरा जो है ये एविडेंस हमारे पास आ जाए। ये हमने बिल्कुल शुरू के अंदर ही लव्स पढ़ा था, इन्वॉल्व प्रिपरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ESI एंड इन एन ऑर्डर मीट रिक्वायरमेंट ऑफ ESI टू बी प्रेजेंटेड इन एन एग्रीड अपॉन यूजेबल फॉर्मेट। ESI may you need to be converted into standardized searchable format that has already been agreed to by the parties। yani ab जब हम डेटा प्रोड्यूस करने जा रहे हैं कोड के अंदर, तो अब हमने उसको कोडिफाई नहीं रखना है, अब हम उसकी जो एनालिसिस रिपोर्ट है उसके साथ उसको रीडेबल फॉर्मेट में लाना है, स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में लाना है और उसके बाद जाकर के कोड में उसको प्रोड्यूस करना है। द यूजेबल रिक्वायरमेंट इन द प्रेजेंटेशन ऑफ ESI कैन इन्वॉल्व फैक्टर्स सच एज सर्चेबिलिटी, फील्डेड डेटा, रिडक्शन, मेटा डेटा और एंड समराइज। यानी एक तो हमारे पास पूरा का पूरा रीडेबल फॉर्मेट में होने के साथ साथ पूरा का पूरा जो है वो एक समराइज मैनर में होना चाहिए और दूसरा आसानी से पूरी ट्रांजेक्शन समझ आनी चाहिए। अब आ गया हमारे पास स्टेप 6, प्रेजेंटेशन एंड रिपोर्टिंग रिजल्ट। एट द फाइनल स्टेज द ESI हैज दैट हैज बीन आइडेंटिफाइड, अक्वायर्ड, एनालाइज्ड एंड प्रिपेयर will be displayed to an audience. The goal of this stage is to provide targeted evidence to prove or disprove statement of facts in the overall context of eliciting further information, validate the existence of a fact of the or the position or persuade an audience. Yani aakhir ke andar jab hum data ko present kar rahe hote hain और रिपोर्ट को जो हमारे रिपोर्टिंग रिजल्ट्स होते हैं उनको हम दिखा रहे होते हैं, ये बिल्कुल आखिरी हमारी जो है स्टेज है, लास्ट स्टेज है। और इसका मकसद ये है कि हम जिस जो है उसकी बात कर रहे हैं, जिस फैक्ट की हम बात कर रहे हैं, ये वहां पर वाकई वो एग्जिस्ट कर रहा है और उसके उसका हमारे पास क्या जो है उसका प्रूफ है, उसको प्रूफ हम पेश कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम जो है वो बिल्कुल हम हर चीज को कोर्ट के अंदर ला करके बिल्कुल सामने रख रहे हैं कि जनाब ये है वो बात जिसकी हम इतनी देर से जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। अच्छा, अब ये सारा हो गया, अब मैंने आपको सारे स्टेप बाय स्टेप बता दिया, अब हम वापस पहली स्लाइड के ऊपर आ गए। अब आप मुझे जो है ना इसमें से कोई अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं, डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो फिर हमारा टॉपिक कम्प्लीट हो गया। यस, एनी क्वेश्चन? क्या हो गया, सारे गायब हो गए क्या? हेलो अब्रार, सवाल नहीं है, क्वेश्चन नहीं है भाई, कोई क्वेश्चन नहीं है मैम। अगर क्वेश्चन ना हो ना तो दो बात होती है, एक तो या तो बहुत ज्यादा अच्छी तरह समझ में आए या फिर दूसरी बात है किसी ने कुछ सुना ही नहीं है। फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास मैम, आप पूछ ले अब्रार, फर्स्ट क्लास कह रहा है, आपको पता चल जाएगा। अच्छा भाई, हकन आवाज कहाँ चला गया ये? What are you making? स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, अटेंडेंस के क्लास खत्म हो गया। हाँ, क्लास